तो हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यार ड्रैकुला वेब सीरीज के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कि क्या ड्रैकुला वाकई में रियल लाइफ में था। जब भी कोई ड्रैकुला की आप मूवी देखते हो तो उसमें ट्रांसिल्वेनिया शहर का नाम क्यों आता है। उसके अलावा क्या वाकई में ड्रैकुला लोगों के गर्दन पे काट के उनका खून पीता था, और क्या ये जो ड्रैकुला वर्ड है ये वर्ड आया कहाँ से। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये नेटफ्लिक्स वाली सीरीज देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हम शुरुआत करते हैं इसकी सीरीज से। सीरीज में हमें 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे, हर एपिसोड लगभग 1.5 घंटे के हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार 3 एपिसोड तो बहुत ज्यादा खुश हो चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 घंटे के लगभग 3 एपिसोड है, लेकिन तीनों एपिसोड देख के एक ही चीज कह सकते हैं, जबरदस्त तरीके से बनाया गया, कहानी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई और एग्जीक्यूशन तो बहुत ही शानदार है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन कहानी शुरू होती है एक लॉयर से जिसका नाम है जोनाथन। वो ड्रैकुला का लॉयर है, वो ड्रैकुला से मिलने उसके कैसल में जाता है। तो उसके बाद क्या कुछ होता है जोनाथन के साथ और कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं आगे चल के, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। इस वेब सीरीज में जितने भी एक्टर्स हैं सबका परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा जोनाथन का, और उसके अलावा जो ड्रैकुला का रोल प्ले के उस एक्टर का, दोनों का परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। कहानी भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है और डायरेक्शन तो बहुत ही शानदार है, और जिस तरीके से उसका कासल को डिजाइन किया, वो कासल का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग कह सकते हो कि एक हिसाब से वो एक भूल भुलैया की तरह होता है उसका कासल। अब ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए या नहीं चाहिए वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा ओपिनियन मानो तो ये वेब सीरीज आप जरूर देखना। आपको फर्स्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, सेकंड और थर्ड एपिसोड आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग वो एपिसोड भी समझ जाओगे। अब मैं आपको बताता कि क्या वाकई में ड्रैकुला रियल लाइफ में था। तो देखिए, ड्रैकुला कोई पिशाच या कोई बैट ऐसा रियल लाइफ में था नहीं, मगर एक शख्स था जिसका नाम था ड्रैकुल, उसका बेटा था व्लैड द एम्पायर। वो ड्रैकुला तो नहीं था, वो मतलब पिशाच तो नहीं था, मगर वो लोगों को जब भी मारता वो लोगों को मार के उनका खून पी जाता था, और इसी वजह से वो ऐसा किंग था जिससे काफी लोग वहां पे डरते थे। उसके रियासत के लोग भी डरते थे, प्लस उसके जो आसपास के जितने भी राजा थे वो भी उससे डरते थे। वो कोई पिशाच नहीं था, मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा, वो एक ऐसे सनकी इंसान था जो काफी लोगों को मारता था, उनका खून पी जाता था। वो इतना पागल था कि एक दिन क्या हुआ अपने रियासत में, वो जैसे आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा कैसा ऋतिक रोशन जैसा नॉर्मल आदमी बन के अपने रियासत में घूमता है और देखता है कि यहाँ पे कौन गरीब है कौन क्या कर रहा है। तो वो एक दिन ऐसा करके रियासत में चला गया और देखा कि वहां पे काफी लोग बीमार थे, कुछ डिसेबल थे, कुछ गरीब लोग थे। तो उसने क्या किया, सारे के सारे लोगों को रात को अपने कासर में बुलाया और पेट भर के दावत, मतलब पेट भर के खाना खिलाया, सब कुछ किया उनको, और सबसे पर्सनली पूछा भी कि क्या आप लोग खुश है, दावत से खुश हो गए। तो लोग सब लोग हाँ बोले, तो वो अपने कासर से बाहर निकला और अपने सिपाही लोगों को बोला कि पूरे कासर को आग लगा के उनको मार दो, और वो खुद भी खुश हो के उसमें पेट्रोल या ऑयल आप कैसे, तो वो छिड़क रहा था। और जब सब लोग मर गए तो जो बचे हुए थे बाहर, जो मतलब गरीब नहीं थे, जो मतलब डिसेबल नहीं थे, जो किसी डिजीज का शिकार नहीं थे, उनको बोला कि मुबारक हो, अब तुम्हारे शहर में कोई भी गरीब, कोई भी डिसेबल या कोई भी बीमार शख्स नहीं मिलेगा। तो ये इसकी एक थिंकिंग थी। उसके अलावा इसके जितने भी दुश्मन थे, ये मोस्टली हर दुश्मन को एक लकड़ी का आप समझ सकते नोक वाला हिस्सा होता था, तो उसके पेट में आर पार करके उसको ऐसा ऐसा लटकाया था, मतलब ऐसा क्रॉस करके, ये ऐसा लकड़ी क्रॉस उसके आदमी को ऐसा घुसा के ऐसा लटकाया था। अब उस आदमी जिंदा है, मरता नहीं था, तो उसमें से जो खून टपकता था उसको मतलब डिनर करते करते वो देखता था और वो खून भर के पीता था। और मोस्टली इसकी एक आदत थी कि वो हमेशा, जिस तरीके से आप चाय में ब्रेड डुबा के खाते वैसे वो खून में ब्रेड डुबा के खाता था, ये उसकी आदत थी। जो इसका बढ़ता हुआ जो इस चीजें थी ना, इस चीजों को खत्म किसने किया, ऑटोमैन अंपायर के किंग था जो कि मुस्लिम था, उसने फाइनली उनको मारा, मार के उसकी गर्दन काट के इस्तांबुल में रखा था, ताकि सबको पता चले कि जो ये शख्स जो इसका जुल्म कर रहा था लोगों पे, हमने उसको किस तरह से मारा, किस लिए मारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हमेशा ड्रैकुला की मूवी में ट्रांसिल्वेनिया क्यों बताता है, तो व्लैड द एम्पायर था जो पैदा हुआ था ट्रांसिल्वेनिया में, इसी वजह से ड्रैकुला की सारी मूवी में हमें ट्रांसिल्वेनिया का ही जिक्र होता है। और हाँ, तीसरा ये कि क्या ड्रैकुला लोग गर्दन पे काट के खून लेते थे लोगों का, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्शनल चीजें है जो फिल्म मेकर्स ने बनाई के बाद ड्रैकुला और गर्दन पे काट के खून पीते थे, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि व्लैड द एम्पायर लोगों का खून पीता था, लेकिन गर्दन पे काट के नहीं, वो उनको सल्ली ऐसा उसके आंख में घुसा के जब खून टपकता था, या जिंदा आदमी को काट के उनका खून निकाल के पीता था, वो कोई गर्दन इधर पे नहीं काटता था। तो बस ये सब चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थी ड्रैकुला की। मैं
बचपन से बहुत सी ड्रैकुला की मूवीज देखता हूँ, मुझे पर्सनली ये एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसके ऊपर मैंने गूगल में रिसर्च किया। अगर आप लोग भी चाहते तो आप व्लैड द एम्पायर करके लिखो, काफी इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा जो उसके फादर थे व्लैड टू ड्रैकुल, इनके बारे में भी काफी गूगल पे लिखा, तो आप उनके बारे में भी मालूम कर सकते हो। मैं तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने जाता था, तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आप लोग वो वेब सीरीज ड्रैकुला देखना चाहते हो तो आप 100% देख सकते हो, आप कहीं से भी बोर हो गए नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी है कहानी है, और सेकेंड और थर्ड एपिसोड तो बहुत ही ध्यान से देखने वाला है। तो बस यार इस वीडियो में इतना है, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख, बाय।